देखिए, हम दोनों बहन बहुत दुखी से जीवन बिता रहे थे। मैं एक विधवा हूँ और मेरी बहन जो है सो विद्यार्थी है। ये रिक्शा वाला ने जा रहे थे, मुझे बहुत मदद भी किया, भूखे थे खाना भी खिला दिया। और देखिए आज के डेट में हम दोनों बहन से शादी भी कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये रिक्शा वाला अच्छा है कि खराब है। नहीं, मैं मानता हूँ कि आपको मदद किया, आपको खाना खिलाया, इतना तक तो ठीक है। लेकिन इस भाई साहब का कहना है कि नहीं, मैंने तुम लोगों को मदद किया इसलिए तुम दोनों को मुझसे शादी करना पड़ेगा। मतलब यार ये कौन सा रूल है? ये मेरा स्टूडेंट थी, मैं इसे पढ़ाता था। अबे यार ये तो ही लड़की है ना जिसने पहले रिक्शा वाला से शादी किया था। मतलब यार ये चल क्या रहा है? सीरियसली ये चल क्या रहा है? इसके ऊपर फीस भी बहुत हो गया, 10,000 हो गए थे और ये दे नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, हमने इससे शादी कर लिया। तो शादी कर लिया तो आप हमें बताएं, आप हमें आशीर्वाद। मतलब यार ये हो क्या रहा है? पहले रिक्शे वाला से शादी किया और फिर एक टीचर से भी शादी कर लिया। मतलब शादी यार कितना बार किया जा सकता है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। मैंने दो शादियां की है, एक और दो। अबे यार रुक जाओ, मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ, सीरियसली मैं कंफ्यूजन हो गया। इन दोनों महिला ने पहले रिक्शा वाला को फंसा के शादी कर लिया और फिर एक टीचर को फंसा के उससे भी शादी कर लिया। मतलब यार ये हो क्या रहा है? इन दोनों की असली हस्बैंड यार कौन है? सीरियसली यार कौन है? मैं बता नहीं सकता भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये लड़की को देखिए, ये हमसे कर्जा रुपया ली थी 2,000 रुपया, ये हमको दे नहीं पाई, इसीलिए इसको लेकर हम भाग आए हैं। अब भाग करके हम दोनों आदमी शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। 5 minutes later, मैं मकान मालिक हूँ, ये मेरे रूम में रहती थी किराए पे रूम लेकर के, तो ये पैसा नहीं दे पाती थी, तो इसलिए हम इनसे शादी करना चाहते हैं। The next day, इस लड़की को मेरे पापा से प्यार हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने पापा को इस लड़की से शादी करवा दूँ। सीरियसली इन तीनों वीडियो को देखने के बाद मुझे पता नहीं चला कि ये यार हो क्या रहा है। पहले 2,000 रुपया उधार ली, उसके बाद बोला किराए पर रहती थी, पैसा नहीं दिखा रही है, और फिर लास्ट में बोला कि इस महिला को मेरे पापा से प्यार है। मतलब यार आप ही बताओ किसका असली पति परमेश्वर यार कौन है? मतलब यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए भाई बताना बताना भाई 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 मेरा भाई बताना भाई बताना मेरा बताना। देखिए ये मेरा जीजा है, तो इनसे हमको प्यार हो गया है, तो हम चाह रहे हैं इनसे शादी करें। अबे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस मैडम का इतना प्यार यार कहाँ से आ रही है। मतलब नहीं, हमारे जैसे सिंगल लड़कों के एक शादी हो गई ना तो जीवन भर उसके साथ ही गुजार लेंगे, लेकिन ये मैडम यार मिनटों में अपना हस्बैंड चेंज कर रहा है। मतलब यार हो क्या रहा है? तो एनीवेज गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज।